नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। IIT पटना में अब JEE के बिना भी छात्र ले सकेंगे दाखिला, बेहतर प्रशिक्षण के लिए 2 कंपनियों से समझौता। तेजस्वी यादव को पुराना वादा याद दिला रहे हैं दरोगा अभ्यर्थी, जाने क्या है पूरा मामला। लालू यादव ने नीतीश कुमार को सौंपी तेजस्वी की जिम्मेदारी, कहा तू ही सबके गार्जियन बाड़ा। पटना विमेंस कॉलेज में अब पढ़ सकेंगी विदेशी छात्राएं, स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत हुआ चयन। दानापुर में 19 से होगी रिलेशनशिप भर्ती प्रक्रिया, ऑन स्पॉट होगा रजिस्ट्रेशन। IIT पटना में पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर है। अब छात्र पटना IIT में गेट और JEE के बिना भी दाखिला ले सकेंगे। इसके लिए IIT पटना ने बुधवार को 2 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। IIT पटना ने जिन कंपनियों के साथ समझौता किया है उसमें टीमलीज एडटेक लिमिटेड और माइक्रोटेक एजुकेशन सोसाइटी शामिल है। कई कारणों से छात्र IIT में दाखिला नहीं ले पाते थे, अब वैसे छात्र भी दाखिला लेकर IIT पटना के शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण ले सकेंगे। IIT पटना के निदेशक प्रोफेसर TN सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह पहला मौका होगा जब IIT पटना के द्वारा किसी प्रोग्राम के तहत ऐसा कोई कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस प्रोग्राम के लिए IIT पटना के साथ मिलकर माइक्रोटेक एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज में पाठ्यक्रम का संचालन करेगी, तो वहीं टीमलीज एडटेक लिमिटेड विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप की सुविधा उपलब्ध कराएगी। बिहार में सियासी उलटफेर होने के बाद तेजस्वी यादव अब राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा तीखे सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कभी 10 लाख नौकरियां देने के वादे को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, तो कई लोग दरोगा बहाली घोटाले को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। बता दें कि जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तो वे सरकार के खिलाफ विधानसभा से लेकर सोशल मीडिया तक हमलावर रहते थे। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर अब तेजस्वी यादव का एक नया ट्वीट पोस्ट वायरल हो रहा है। ट्वीट वायरल होने के बाद दरोगा बहाली को लेकर आंदोलन करने वाले छात्र अब तेजस्वी यादव को डिप्टी CM बनने के बाद उनके वादे को याद दिला रहे हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक और धांधली सेटिंग की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों दरोगा अभ्यर्थी फरवरी मार्च 2020 में पटना से लगातार आंदोलन कर रहे थे। उस दौरान तेजस्वी यादव सदन में नेता प्रतिपक्ष थे। तेजस्वी यादव ने उस दौरान आंदोलनकारी अभ्यर्थियों के समर्थन में बिहार के दोनों सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था, जिसे उस दौरान स्वीकार नहीं किया गया था। इसी मामले को लेकर राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि अब तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनसे अनुरोध है कि 2446 दरोगा बहाली में पेपर लीक और धांधली सेटिंग की CBI जांच कराई जाए ताकि लाखों स्टूडेंट्स को न्याय मिल सके। छात्र नेता ने जाँच के बाद शिक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शायद यह अंदाजा नहीं था कि लालू प्रसाद उन्हें अपने बेटों की जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं। लालू प्रसाद के पटना पहुंचने की खबर मिलते ही नीतीश कुमार उनसे मिलने राबड़ी आवास पहुंचे। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद को गुलाब का फूल दिया। दोनों नेताओं के बीच माहौल कभी ठहाकों से भरा रहा तो कभी दोनों भावुक भी हो गए। सेहत पर चिंता व्यक्त करते हुए लालू प्रसाद ने दोनों बेटों की और देखते हुए नीतीश कुमार से अपने खास भोजपुरी लहजे में कहा कि अब आप कहीं मत जाइए, आप ही इन सबके अभिभावक हैं, सबको साथ लेकर चलना है। लालू यादव ने भोजपुरी में कहा अब एने ओने मत जाइए, तू ही सबके गार्जियन बाड़ा, सबके साथ लेके चले के बा। पटना विमेंस कॉलेज बिहार का पहला कॉलेज ऐसा बनने जा रहा है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है। इसके तहत जिन विदेशी छात्राओं का चयन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से किया जाएगा वे पटना विमेंस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगी। कॉलेज में उनका रहने का इंतजाम किया जाएगा, साथ ही इनकी ट्यूशन फीस भी माफ होगी। यहां पढ़ने आने वाली छात्राओं को मिसलेनियस खर्च जैसे हॉस्टल फीस, एग्जाम फीस, लॉन्ड्री, स्टेशनरी, हाउसकीपिंग, पर्सनल एक्सपेंस आदि करने होंगे। सेंटर फॉर नेशनल इंटरनेशनल कोलेब्रेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के डीन डॉक्टर आलोक जॉन ने बताया कि भारत में अध्ययन के लिए आधुनिक और कई तरह के पारंपरिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।
सेना में नौकरी करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। बिहार रेजिमेंट ने रिलेशनशिप बहाली प्रक्रिया शुरू की है। यह पूरी प्रक्रिया अग्निवीर स्कीम के तहत होगी। इसमें अग्निवीर जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए सेना में अग्निवीर बनने का सुनहरा मौका है। बिहार रेजिमेंटल सेंटर दानापुर स्थित बहाली मैदान में भर्ती प्रक्रिया की जाएगी। पूरे बिहार रेजिमेंट में कार्यरत या रिटायर्ड सैनिकों के पुत्र या भाई शामिल हो सकेंगे। 19, 20 और 21 से 25 अगस्त तक अग्निवीर जीडी क्लर्क और ट्रेड्समैन के लिए प्रक्रिया की जाएगी। अभ्यर्थियों को सुबह 4 बजे ही दानापुर स्थित भर्ती ग्राउंड में पहुंचना है। वहां ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता की जांच होगी। बताया जाता है कि शारीरिक दक्षता जांच में सफल अग्निवीरों का मेडिकल जाँच होगी। वहीं 16 अक्टूबर को सीई यानी की लिखित परीक्षा होगी। 15 अगस्त के दिन झंडोत्तोलन के बाद सीएम नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात कही थी। इस ऐलान के बाद बिहार के युवा काफी उत्साहित हैं और इसको लेकर एक अच्छी खबर है। बिहार में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर बम्पर भर्ती हो रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी की BTSC ने अधिसूचना जारी कर सहायक नर्स मिडवाइफरी अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाए हैं। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी की BTSC ने अधिसूचना जारी कर सहायक नर्स मिडवाइफरी अथवा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगाया है। भर्ती के लिए जारी नोटिफिकेशन के अनुसार 10,709 पद इसके माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू है। वहीं उम्मीदवार 1 सितंबर तक पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पदों के लिए आधिकारिक वेबसाइट btsc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को महागठबंधन सरकार की दूसरी कैबिनेट की बैठक की गई। इस बैठक में ग्रामीण विकास विभाग की योजना जल जीवन हरियाली अभियान के विस्तारीकरण को स्वीकृति दी गई। साथ ही कैबिनेट ने इस योजना के लिए 2022-23 से लेकर 2024-25 तक के लिए कुल 12,548.97 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। बिहार के नवगठित मंत्रिमंडल की शाम 4:30 बजे बैठक आयोजित की गई। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस ने बताया कि कैबिनेट की ओर से रीडिजाइन कर जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार दिया गया है। यह योजना 2019-20 से राज्य में चलाई जा रही है। आरंभ में इस योजना पर 4,524 करोड़ रुपए खर्च होने की बात थी, लेकिन इस योजना में अभी तक 7,376 करोड़ खर्च किए गए हैं। योजना के विस्तारीकरण में पूर्व से चले आ रहे घटकों को ही फिर से रीडिजाइन किया गया है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 5,222 करोड़, वर्ष 2023-24 में 3,668 करोड़ और वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,677 करोड़ खर्च किए जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हो चुका है। नीतीश कुमार द्वारा NDA गठबंधन से बाहर निकलने और तेजस्वी यादव का दामन थामने के बाद अब CBI भी IRCTC घोटाले मामले में तेजी लाने जा रही है। इसके लिए CBI ने हाईकोर्ट से मांग की है कि जल्द ही इस घोटाले मामले में बहस शुरू की जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने IRCTC घोटाले मामले में मोर्चा संभाल लिया है। इस मामले में लालू परिवार के कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें राबड़ी देवी और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस मामले में CBI द्वारा 4 वर्ष पहले चार्जशीट दायर की गई थी, परंतु अभी तक बहस शुरू नहीं हो पाई है। मीडिया से आई खबरों के अनुसार CBI ने हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर आरोपी की अर्जी पर फैसले की मांग की है। CBI का कहना है कि कोर्ट से जो भी फैसला मिलेगा उसी के अनुसार आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही CBI ने हाईकोर्ट से आरोपों पर बहस शुरू करने की भी मांग की है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों NIA, SSF और असम राइफल्स में राइफलमैन भर्ती के फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के रिजल्ट का ऐलान कर दिया है। PET एग्जाम को क्लियर करने वाले उम्मीदवारों को अब डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन में हिस्सा लेना होगा। SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट और कट ऑफ चेक कर सकते हैं। SSC की ओर से जारी रिजल्ट के अनुसार CAPF में SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षा 2021 का रिजल्ट आयोग की ओर से 25 मार्च 2022 को घोषित कर दिया गया था। इस परीक्षा में 285,201 अभ्यर्थियों को अगले स्तर की परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इनमें करीब 31,000 महिलाएं और करीब 253,000 पुरुष अभ्यर्थी थे।
पटना एम्स में जल्द ही कैंसर के मरीजों का इलाज हो सकेगा। इसके लिए 100 बेड एडवांस कैंसर मैनेजमेंट सेंटर का निर्माण करने की योजना है। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है और इसका नाम एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट रखा गया है। प्रस्ताव को इंस्टीट्यूट के स्टैंडिंग कमेटी ने अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। 6 महीने के अंदर सारा काम हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक एडवांस सेंटर फॉर कैंसर मैनेजमेंट के निर्माण के लिए अलग से भवन बनाए जाएंगे। 2 साल के अंदर कैंसर मरीजों को पटना एम्स के इस एडवांस सेंटर मैनेजमेंट सेंटर की सुविधा मिलने लगेगी। इसके निर्माण में 100 करोड़ रुपए खर्च या उससे अधिक खर्च होने का अनुमान है। पटना एम्स के निदेशक डॉक्टर जीके पाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इसको बनाने के लिए दिल्ली एम्स, पुडुचेरी और देश के बड़े सेंटर के विशेषज्ञों की मदद ली जाएगी। डॉक्टर पाल की माने तो कैंसर मरीजों की संख्या इस क्षेत्र में अधिक है, विशेषकर बिहार, झारखंड, असम में कैंसर मरीजों की संख्या अधिक है। पटना एम्स में इलाज की सुविधा हो जाने पर मरीज पटना एम्स पहुंचेंगे। एम्स में बिहार समेत आसपास के राज्यों के कैंसर मरीजों की सहूलियत हो जाएगी। डॉक्टर पाल ने बताया है कि कैंसर का इलाज महंगा है और गरीब मरीज को ये दवाएं कम कीमत में मिले उसकी भी व्यवस्था की जाएगी।